नमस्ते भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स। या टुडे आज हम एक पोएम है, डोंट क्विट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाइयों बहनों, मैं 10-12 दिन से बहुत बीमार था और मुझे डेंगू हो गया। डेंगू के बाद में मुझे फिर से वायरल इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद मैं कम से कम 12 दिन में 3 बार एडमिट होकर बाहर आया। मेरे हाथ में सब जगह आईवी और इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट के लिए पंक्चर किया गया, एटलीस्ट 25 जगह। और इस हालत में मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं सरेंडर कर दूं लाइफ को। और मैं बहुत थक गया था कि काफ़ी सालों से ये बीमारियां आ रही हैं। बट ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि मैं भी बहुत थक सा जाता हूँ और डेस्परेट हो जाता हूँ और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं कि भाई लाइफ में गिव अप कर दें। बट एक पोएम मैंने पढ़ी है और ये पोएम मैंने अपने टेबल के सामने भी लगा के रखी है। और ये बड़ी खूबसूरत इंग्लिश पोएम है जिसको मैं पढ़ के थोड़ा ट्रांसलेट करके समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी इंस्पायर हों। ये पोएम ऐसा है, इस पोएम का नाम है डोंट क्विट। एंड डोंट क्विट का मतलब कि आप अपना प्रयत्न कभी ना छोड़ें, ओके। और इसके ऑथर एनोनिमस है, मतलब इनका कोई ऑथर का नाम नहीं मालूम है। कहीं कहीं कुछ लोगों ने अपने नाम भी डाल दिए हैं, बट ये समझ के चलते हैं कि ये ऑथर हमें मालूम नहीं। बट इतनी खूबसूरत पोएम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो डोंट क्विट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। जब भी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत होती हैं, जो कि हमेशा हो सकती हैं या कभी कभी हो सकती है। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, तो जो रोड है, रास्ता है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ चढ़ान ही चढ़ान है, कोई ढलान आ ही नहीं रही उसके अंदर में। व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेट्स आर हाई, जब हमारे फंड, हमारे पैसे कम हो जाते हैं और हम पे उधारी बहुत बढ़ जाती है, ये सिचुएशन तो होती ही है ना। एंड व्हेन यू वांट टू स्माइल, एंड व्हेन यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, जब आप मुस्कुराना चाहते हैं बट फिर भी आप उदास होते हैं और आपकी आह निकलती है। When care is pressing you down a bit, जब आपको केयर की बहुत ज़रूरत होती है और केयर के कारण आप जो है थोड़ा सा रुक सा जाते हैं लाइफ में, then rest if you must, you should rest, but don't you quit। आप आराम कर लीजिए बट आप वो रास्ते को छोड़िए मत जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है लाइफ में। तो मैं इस 10 दिनों में या 12 दिनों में, मैं मेरी एक मीटिंग है 15th को और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसका प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा प्रिपरेशन किया कि मुझे श्योर है कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख के जो कंपनी है वो काफ़ी इम्प्रेस होकर मुझे असाइनमेंट देंगे। तो ये जो इंटरवल है, ये जो गैप है, मैं क्विट नहीं किया। मैंने कोशिश करी कि इसको इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें सीखी। मैंने क्या सीखा, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल जो आ रही हैं उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, बीमार होके भी, क्योंकि यूट्यूब पे अपने को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइफ इज क्यूर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, अभी भी मेरी जवान लड़खड़ आ रही है बिकॉज ऑफ मेडिसिन। सो लाइफ इज क्यूर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो लाइफ में बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हैं। इट्स ए फनी लाइफ एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, तो हम लोग ये जान जाते हैं जब थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं तो समझ में आता है कि भाई हर चीज अपने कंट्रोल में नहीं है, रास्ता उबड़ खाबड़ है। एंड मेनी अ फेल्यूर टर्न्स अबाउट, कई बार जो हमको लगता है फेल्यूर है वो टर्न अराउंड हो जाता है। व्हेन ही माइट हैव वन हैड ही स्टक इट आउट, यदि कोई इंसान थोड़ा देर और प्रयत्न करता, थोड़ी सी और कोशिश करता, तो उसका फेल्यूर सक्सेस में बदल जाता। ये हमको जानकारी मिलती है जिंदगी से। डोंट गिव अप दाउ द पेस सीम स्लो, रफ्तार हमारी धीमे लग सकती है, चढ़ान में रफ्तार हमारी धीमे लग सकती है, बट यू मे सक्सेड विथ अनदर ब्लो। हो सकता है जैसे बॉक्सर लोग हैं, मार खाते हैं गिरते हैं, मार खाते हैं गिरते हैं उठते हैं, बट एक मुक्का उनका ऐसा लग जाता है कि अगला ओपोनेंट गिर जाता है। सो यू मे सक्सेड विथ अनदर ब्लो। ऑफन द गोल इज नियरर दैन, हमेशा कई बार ऐसा होता है कि जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता, काफ़ी नज़दीक रहता है।
इट सीम्स टू ए फेंट एंड फॉल्टरिंग मैन, हम जो थके हुए इंसान होते हैं या जो लड़खड़ाते रहते हैं, तो हमको ये बहुत दूर लगता है, बट उतना दूर नहीं रहता, वो नजदीक रहता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज गिवन अप, जो स्ट्रगल करता है 99% वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है कि अब मैं हार गया, मैं थक गया। When he might have captured the victor's cup, वो थोड़ा देर और persist करता, थोड़ा सा और patience रखता, तो शायद उसके हाथ में victory का cup रहता। And he learned too late when the night slipped down, how close he was to the golden crown. और जब रात गुजर जाती है और वो थक के हार के बैठ जाता है, पर तब वो realize करता, अरे दो और कदम चलता था तो मैं हाथ में मेरे golden crown रहता था। So success is failure turned inside out. तो success है वो failure turned in, जैसे जो मोजा होता है, मोजा को उल्टा कर लीजिए success है, सीधा कर लीजिए success है, उल्टा कर लीजिए failure है। तो वैसे ही या बोरे को या बैग को आप उल्टा कर दीजिए failure है, उसी चीज को घुमा दीजिए success है। तो दोनों एक coin के दोनों side है, success and failure। The silver tint of the clouds of doubt, जो हमारे शक है, शक के जो बादल है उसमें जो एक सिल्वर लकीर होती है, वो उस लकीर की तरह से सक्सेस होती है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, आप कभी बोल नहीं सकते कि आप कितने नजदीक हैं या कितने दूर हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, बहुत नजदीक हो सकता है बट आपको लग रहा है बहुत ज्यादा दूर है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है, दैट इज व्हेन यू हैव टू स्टिक टू द फाइट, उस मोमेंट पे आपको गिव अप नहीं करना है। बड़े बड़े बॉक्सर्स आप देखेंगे, नाक में से खून आता रहता है, आंख बुझ जाती है उनकी चोट के कारण, बट जो असली बॉक्सर रहता है वो एक बार लास्ट बार आखिरी खड़ा होता है, जो नहीं खड़ा होता वो तो हार जाता है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट देन यू मस्ट नॉट क्विट, जब आपको लगता है कि अब सब बिगड़ गया है, सब बेकार है, That is the time, उस वक्त आपने क्विट नहीं करना है। और ये मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी एक बहन है, वो अभी गोरखपुर में शिफ्ट हो गई है, काफी महीनों से उनके पास में, उनके पति के पास में जॉब नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपका जो टाउन है गोरखपुर, वहां जाइए, आप अपना घर बसाइए, कम से कम आपके खुद के घर में तो रह सकते हैं। फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने बोला कि बहन आप टीचर हैं, तो अभी टीचिंग बिजनेस में ही जाइए, कोई भी दुकान वगैरह डालने के चक्कर में ना पड़िए, टीचिंग है, मेडिसिन है, फूड है, ये तीन चार बिजनेस जो हैं ये इंडिया में ग्रो होने वाले हैं, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। आप एडवर्टाइज कीजिए, ब्रोशर्स बांटिए, सब कीजिए, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, और उसके बाद में तीन चार महीना होने के बाद भी नहीं कुछ हुआ, फिर भी उनको एक दिन पहले बोला पेशेंस रखो, ट्राई करते रहो, खिला ठोकना है तो अपने को एक जगह रख के ठोकना पड़ता है। फिर उसके बाद में उन्होंने सडनली मेरे को कल बोला या परसों के दिन बोला कि भैया पहला स्टूडेंट आ गया मेरे पास और मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया। मैंने कहा बहुत सही बात है। फिर आज बोला उन्होंने कि दूसरी बच्ची भी आने वाली है अगले हफ्ते से। मैंने कहा देखिए जो चार महीने की मेहनत थी अब वो फल देगी आपको, एक दिन आपके पास 50-60 बच्चे होंगे और ये मेरा चैलेंज है कि जरूर होंगे, और बस आप लगे रहो, डोंट गिव अप, और उसके बाद में जो भी काम देता है ईश्वर, कि जैसे अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को बोला था कि ईश्वर यदि रास्ता भी झाड़ू मारने को बोले ऐसा झाड़ू मारो कि स्वर्ग और नर्क ऊपर से देख के बोले कि भाई किसने झाड़ू मारा है। तो ऐसा पढ़ाओ उस बच्चे को कि 10 जन वो 10 लोगों को खुद लेके आएगा आपके पास में। मुझे पूरा यकीन है कि वो अब सक्सेसफुल हो जाएंगे और फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएंगे। इतना ही भाइयों बहनों, डोंट क्विट, तकलीफ आप पे, मेरे पे, ईश्वर यदि इंसान रूप में है उन पे, सबके ऊपर में आती है, बट वही जीत के और समुद्र के पार निकल के जाएगा जो बीच रास्ते में बैठ नहीं जाएगा। आराम कर सकते हो, थोड़ा सा तकलीफ है तो आराम करो, तैयारी करो आगे की जर्नी की, उठो और फिर चल पड़ो, और इस तरीके से हम दरिया के उस पार चले जाएंगे, और वो उस पार ही तो जाना है हमको, और कहाँ जाना है, उसी पार जाना है। तो इसके लिए हमको चलते रहना है, यदि चोट लगी है तो थोड़ा सा बैठ जाइए, सहला लीजिए, चल नहीं सकते
तो घुटनों पे चलिए, घुटनों पे नहीं चल सकते तो रेंग के चलिए, बट चलते रहिए, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। जय साईं राम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।